तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी डेंटल शो का आयोजन हुआ है और कहीं ना कहीं इस शो का जो कॉन्सेप्ट है वो जो नए डेंटिस्ट हैं उनको नई तकनीक से जोड़ने की बात कही जा रही है, नए सेशन से जोड़ने की बात की जा रही है, नई विधाओं से जोड़ने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस शो का और क्या है, हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहित जी हैं। सर, क्या कॉन्सेप्ट है इस पूरे शो का? इस पूरे शो का कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग अपने डेंटल सर्जन्स तक पूरे उत्तर प्रदेश से जो आए हुए हैं उनको लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बता सकें और नॉलेज ट्रांसफ़र के थ्रू उनको लेटेस्ट नॉलेज मिल सके, उनका स्किल डेवलपमेंट फर्दर हो सके। एंड आज की दुनिया में जो डिजिटल डेंटिस्ट्री एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है वो उनको मालूम होना चाहिए और आगे हम उसको कैसे लाएँ। सर, देखा जाए तो लगभग कितने लोग यहाँ पर पहुँचे थे, क्या कुछ पार्टिसिपेशन का जो है वो स्टेटस रहा है इस एडिशन की, अगर मैं बात करूँ तो? बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को रहा है और कल हम लोग जो फर्स्ट डे था तो फर्स्ट डे में आप समझिए शुरू के 4 घंटे में ही लगभग 700 लोग आ चुके थे। तो और फिर उसके बाद हम लोग इतना बिजी हो गए कि अब काउंट हम लोग देखेंगे, बट फाइनल काउंट क्या रहेगा ये शो के बाद ही पता चलेगा। 3 एडिशन बीत चुके थे, 4th एडिशन था। इससे पहले जो 3 एडिशन हुए हैं उनका क्या स्टेटस रहा था? सुपर्ब, दे वर सुपर्ब। हम जैसे हमारा ये शो है ये तो पोस्ट कोविड है, वो भी बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के शोज थे और उत्तर प्रदेश में पहली बार इंटरनेशनल स्पीकर्स आए और उन सब्जेक्ट्स पे उन्होंने बोला जो जनरली यहाँ पर टॉपिक्स पहले नहीं डिस्कस हुए थे। तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट शो टू नाउ वी हैव ट्राइड टू मेंटेन अ वेरी गुड स्टेटस एंड सब कुछ जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है वही हम चाहते हैं कि उसके बराबर हमारे बच्चे जो नए निकल रहे हैं वो और बाकी भी जो प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हैं सब उसी लेवल पे आ जाएं। अभी आपने पोस्ट कोविड का जिक्र किया, कहीं ना कहीं जो कोविड काल था उसमें हर इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा। अगर मैं डेंटिस्ट इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो क्या कुछ नुकसान पहुँचा, उससे उभरने में भी आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री को कितना समय और लग सकता है? देखिए, क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी थी जो कि ओरल कैविटी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था उसका, तो डेंटल कम्युनिटी एज अ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट उनका भी नुकसान बहुत हुआ है बिकॉज बहुत सारी प्रैक्टिसेस शट डाउन थी या बहुत कम समय के लिए खुली और फिर जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज थी उन्होंने भी बहुत दिन सफ़र किया, लिटरली 2 ईयर्स जब तक कोविड और वैक्सीनेशन कम्प्लीट नहीं हुआ। उसके बाद अब जो है ग्रेजुअली सब पिकअप कर रहा है एंड गॉड विलिंग आगे सब ठीक रहेगा तो सब अच्छा हो जाएगा फिर से। क्या लगता है सरकार से कुछ अपेक्षाएं भी आप लोगों की रहती हैं, क्या अपेक्षाएं हैं वो, और अगर बात करें केंद्र सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की तो किस तरीके से उनसे डिमांड करना चाहेंगे अगर इस इंडस्ट्री को और आगे लेके जाना है तो? केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम डिमांड तो नहीं करना चाहेंगे, हम ये एक सुझाव देना चाहते हैं कि जैसे हमारा हर फील्ड में आत्मनिर्भर भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया जा रहा है कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, वैसे ही डेंटल गुड्स की भी जब तक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होगी तब तक हम उसकी कॉस्टिंग कम नहीं कर पाएंगे। आज हम आधी से ज़्यादा मशीनें विदेश से मंगवा रहे हैं, आधी से ज़्यादा क्या 90%। तो ऐसे सिनेरियो में ना तो मशीन्स रीजनेबली अवेलेबल हो पाएंगी डेंटिस्ट को ना ट्रीटमेंट। तो मेरा सुझाव ये है कि जैसे सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ तो डेंटल इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स के लिए भी एक इकोनॉमिक जोन अलग से डिक्लेयर करें कहीं पर। सर, बात करी जाए अगर शहर की और ग्रामीण क्षेत्रों की तो शहर में इजीली जो है वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन जो आपकी विधा है कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर इस तरीके की सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, तो इसके लिए कुछ सजेशन अगर सरकार को आप देना चाहें? ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, देखिए क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ब्रांच है तो जैसे जैसे हम लोग मशीन्स टूल्स में और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो जाएंगे हमको कम लागत पे वो सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी तो हम लोग कहीं पर भी हो, रूरल हो अर्बन हो, कहीं पर भी उन मशीन्स को लगा सकते हैं और सबको लाभ पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पूरे शो का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं ये है कि जो भविष्य में डेंटिस्ट बनने वाले हैं उनको नई तकनीकों से जोड़ा जाए, नई मशीनरियों का उपयोग उनको सिखाया जाए और कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही है कि डिजिटल इंडिया, कहीं ना कहीं जो देश है, जो देशवासी हैं, जो डेंटिस्ट हैं वो अपने आप को अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट कर सकें, उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो डेंटल एसोसिएशन द्वारा तैयार किया गया है। उसी का नतीजा है कि इस शो में लगातार जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ब्रिजेंद्र बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इनसाइडर, लखनऊ।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।